फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हिमालयन टायर्स की। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो गाड़ी है मेरी, वो उसमें अभी तक स्टॉक टायर्स लगे हुए हैं, और जो स्टॉक टायर्स हैं वो C8 के हैं। और मेरी गाड़ी को करीब अराउंड 10 मंथ्स हो गए, और अभी तक ये गाड़ी जो चली है ये लगभग 12,700 किलोमीटर चली है। तो अभी समय आ गया है इसके टायर को चेंज करने का। जनरली टायर का जो लाइफ होता है वो 6 to 7,000 तक होता है, लेकिन मेरे केस में जो एवरेज है काफ़ी अच्छा मिला मुझे, लगभग उसका डबल मिला। तो अभी कैसा है ये टायर, थोड़े से अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन है ये घिस रही है, और गाड़ी थोड़ी स्किड हो रही है अभी। तो ये टाइम आ गया है कि हम टायर को चेंज करते हैं, फ्रंट और रेयर दोनों। तो बेसिकली कैसा है कि टायर की जो लाइफ है वो डिपेंड करती है कि आप कैसे रोड पे राइड करते हैं, या किस स्पीड पे राइड करते हैं। आप ज़्यादा ऑफ रोडिंग करते हैं या फिर नॉर्मल हाईवे पर चलाते हैं, आपके एवरेज स्पीड क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं एक टायर की लाइफ के लिए। तो मेरे केस में तो मैं ऑफ राइडिंग ज़्यादा नहीं करता हूँ, मैं हाईवेज पे या विद इन द सिटी ही ज़्यादा राइड करता हूँ, और मेरी एवरेज स्पीड भी नॉर्मल होती है विद इन द सिटी, अराउंड 60-70 ये नॉर्मल एवरेज स्पीड है। हाईवे पर भी मैं 100 के आसपास ही होता हूँ। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो स्टॉक का है जो मेरा C8 का है, तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया इसके ऊपर, और अलग अलग टायर्स हैं, लेकिन जो मैंने इसका जो आउटकम है वो ये है कि आपको अपने स्टॉक टायर्स की जो कंपनी है वो चेंज नहीं करनी चाहिए। तो सिंस ये C8 के साथ ही आया था, गाड़ी आई थी, तो मैं C8 कंपनी का ही जो टायर है जो अभी अपडेटेड एकदम लेटेस्ट है वो मैं एक्सचेंज करूँगा इसके साथ। तो अभी मैं नया टायर C8 का ही लगाने वाला हूँ। तो आइए फिर चलते हैं फटाफट और देखते हैं कि जो C8 का ऑथराइज सेंटर है, डीलर है, वहाँ पर हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं और कौन सा बेस्ट है इसके लिए। देखिए, अभी मैं C8 शॉपिंग में हूँ, और जो लोकेटेड है बोरीवली ईस्ट में, और यहाँ पे आशीष जी हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी सर्विस दी है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई उन्होंने कि आपको क्या टायर ट्यूब कैसा लगाना चाहिए, क्या जो उसके ऊपर कलर है उसका क्या मतलब है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो एक बार आशीष जी बताएंगे कि अगर आप एक राइडर हैं या एक नॉर्मल बाइकर हैं तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए आपको टायर ट्यूब को लेकर। आशीष जी बताइए, क्या ध्यान रखना चाहिए एक बाइकर को? सर, बाइकर को तो ध्यान रखना चाहिए कि सर हम लोग जो टायर और ट्यूब जो है ना, मतलब एक ओरिजिनल यूज़ करना चाहिए किसी भी ब्रांड का। सपोज C8 जो अभी एक अगर रॉयल एनफील्ड हिमालयन के लिए सिर्फ और सिर्फ C8 बना रही है टायर, और सर टायर बहुत अच्छा है, ग्रिप बहुत ही अच्छा है, मतलब ऑफ रोड और ऑन रोड दोनों के लिए बहुत ही अच्छी टायर है। और कस्टमर को ट्यूब्स का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। हम लोग को नुक्कड़ वाले शॉप्स पे जाके पंचर्स नहीं निकालने चाहिए, या फिर सपोज हवा का प्रेशर एवरी 15 डेज पे चेक करना चाहिए, जो हम लोग करते नहीं हैं। हम लोग गाड़ी के इंजन का बहुत ख्याल रखते हैं, बट टायर का कोई ख्याल नहीं रखते। तो हम लोग को टायर का भी एवरी 15 डेज पे कम से कम टायर का प्रेशर चेक करना चाहिए। और मैं बाकी फ्रेंड्स से ये कहना चाहता हूँ कि जो टायर का एक्चुअली जो टायर जो है वो
प्रेशर अगर आपका बराबर रहेगा तो टायर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है सर। और हम लोग रोड साइड वाले पंचर्स वाले के पास जाते हैं तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पंचर से ही मारते हैं, क्योंकि उनके पास आप हवा चेक कराने जाओगे तो वो चाहेंगे कि आप उनसे एक ट्यूब ले लें कम से कम। तो ये सब चीज़ के लिए हम लोग ओरिजिनल ट्यूब और ओरिजिनल टायर यूज करने के लिए कस्टमर से बोलते हैं। ये शॉप हमारा बोरीवली ईस्ट में है, मेट्रो मॉल के अपोजिट साइड में, नियर KTM बाइक का शोरूम है हमारे बगल में। और हमारे यहाँ सिर्फ ओरिजिनल सेट का ही टायर एंड ट्यूब्स मिलते हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे शॉप पे आके ले सकते हैं। और इसकी वारंटी पैन इंडिया मिलती है, आपको टायर में कुछ भी इशू आया तो आप पैन इंडिया कोई भी सेट के ऑथराइज डीलर के पास जाके आपको 3 साल कटने पड़ते हैं और 5 साल मैनुफैक्चरिंग का वारंटी मिलता है। तो आप इसकी कवर्ड करने के लिए आप जा सकते हैं कोई भी सेट के डीलर के पास। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था सब कुछ। नाम क्या है? इमरान। देखिए अभी मैं यहाँ सीएस शॉपी पे हूँ और यहाँ पे इमरान भाई हैं, काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, इन्होंने बहुत ही जल्दी टायर चेंज किया है और सब कुछ चेक करने के बाद ही लगा रहे वो। देखिए मैंने कोशिश की कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ जो टायर्स हैं उसके बारे में। मैं बेसिकली ऑफ राइडिंग ज़्यादा नहीं करता हूँ, मेरा विद इन सिटी या हाईवेज पे ही ज़्यादा होता है चलना। तो मैं तो वही टायर यूज़ किए जो स्टॉक टायर थे C8 के, और वही रिकमेंडेड भी है। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा टायर लगाना चाहते हैं, बट अगर आप रिसर्च करेंगे आप देखेंगे तो स्टॉक टायर्स ही बेस्ट होते हैं, क्योंकि इसी वजह से वो कंपनी की तरफ से फिट होके आते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, राइड सेफ।